और ये तब की है। और ये चांद की किरणें फिरांचू पे पड़ रही हैं। ये देखो, फिरांचू पे किसी ने जादू टोना किया है। इसका मतलब कि चांद ये सब चांद से कैसे जुड़ा है? बानी, मेरा दी मुझे कुछ देर अकेला रहना, कुछ सोचना है मुझे। पर राजू, कहाँ हो तुम? और वो तस्वीरें, इसका मतलब कल तुम अपने आप में नहीं थे और आज सुबह भी नहीं। ये स्विट्जरलैंड का है, वो जगह जहां मैं तुम्हें एक दिन जरूर लेकर जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्विट्जरलैंड क्यों जब बर्फ मनाली में भी गिरती है? पानी शर्मा, तुम कहीं बाज नहीं आओगे। मैं रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मतलब मेरे हार्ट शेप गुब्बारा जो उड़ रहा है तुम उसे ठुस कर देते हो और हंसते भी उसके बाद। मैं तुम्हें ना पहले कह चुकी हूँ, तुम मुझे ना इंप्रेस नहीं कर पाओगे, कुछ भी कर लो। अच्छा तो बताओ मैं कैसे कर सकता हूँ? बताओ कान में बता दो। अरे तुम सीरियस बताओ ना यार, मैं कितनी कोशिश कर चुका हूँ, मतलब तुम्हें पूल, फूल, सरप्राइज डिनर पार्टी, प्रॉपर्टी के पेपर्स तक मैंने कदमों पे रखे, लेकिन तुम नहीं पिटली। और अब स्विट्जरलैंड से भी तुम, मतलब तुम नहीं जाना चाहते, तुम चाहते क्या हो? जो मुझे चाहिए तुम नहीं दे पाओगे। मैं सब दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी लेके जा सकता हूँ, तारों पे, चांद पे, कुछ भी। एक मिनट, चांद पे? रियली? तो बस फिर मुझे चांद पे ले चल। क्या हुआ? हार्ट शेप फुस, लैंडिंग नहीं हो पा रही? मैंने क्या कहा था? जो मुझे चाहिए ना तुम नहीं देखोगे। मैं कर सकता हूँ। चांद तक जाना है? चल दूंगा, पहुंच है मेरी। रांशु ने कहा था कि वो चांद पे किसी को जानता है। चांदनी, क्या जहाँ तक मुझे याद है तुम चांद को छोड़कर जा रही थी ना? मैं आसमान की राजकुमारी हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ। क्यों, कोई खास वजह? वजह मुझे याद नहीं रहती, वो सब छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चांद की सैर कराती हूँ। चलो मेरे सर, साथ मतलब खैर नहीं। ये कौन सी जगह है? ये सितारों का महल है, इसे कामना का महल भी कहते हैं। यहाँ जो मांगो सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। सच में? मांग के तो देखो। मुझे खाना चाहिए, मांग रही। बस Fantastic. Nice. और क्या चाहिए? और सोने के सिक्के? कितने चाहिए? उस टेबल पे आ सके? सोच लो, कमरा भर के भी मांग सकते हैं। तुम्हारी तरह लालची नहीं हो, क्या करूं? ये सब तुम्हारा है।
पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, मैं तो बस खुल जा सिम को आजमा रहा था। तो गलती कर रहे थे वीर, क्योंकि आसमान की ताकत की कोई सीमा नहीं होती, यह सीम है। ये समंदर है और इसकी ताकत की कोई सीमा नहीं, ये असीम है। कहाँ खो गए वीर? अब जब तुमने ये सब देख ही लिया है, अपनी मुंह मांगी मुराद पूरी कर ली है, तो क्या तुम यहाँ रहोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जब राजकुमारी खुद शादी के लिए हाथ बढ़ा रही है तो भला कोई ना कह सकता है क्या? विराजू, कहाँ चले गए हो तुम? फुर हो गया। तुमने सुना नहीं दक्ष पंकी ने क्या कहा? वो आसमान में उड़ गया है। मैं जानती हूँ, विराजू बहुत ऊपर उड़ने लगा और दक्ष से उसे पकड़ नहीं पाया, उसे मैं ढूंढ नहीं पाया, उसका पीछा नहीं कर पाया। देखो भानी, मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं कैसी बेरुखी बातें करता हूँ इन लोगों के बारे में, पर मुझे तुम्हारी सच में चिंता होती है भानी। तुम ठीक तो हो ना? नहीं जय, मैं ठीक नहीं हूँ। बार बार मुझे विरांशु की कही बात याद आ रही है। मुझे याद आ रहा है जब विरांशु ने कहा था कि उसकी पहुंच चांद तक है, उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई जान पहचान है वहां पे, इसलिए शायद उन तस्वीरों में चांद की रोशनी विरांशु पे पड़ी उस रंग में। क्या पता विरांशु चांद पे हो, ये भी तो हो सकता है, वरना वो इतना ऊंचा क्यों उड़ेगा? वो चांद पे ही होगा, लेकिन क्यों? कौन करवा रहा है उससे ऐसा सब कुछ? क्यों कर रहा है वो? मैं कैसे पता लगाऊंगी? मैं कैसे पता लगाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम पता नहीं कर पाई तो बोलो बानी, क्या होगा अगर वो चील वो फिर तुम्हारे पास लौट के नहीं आया? बोलो, क्या करोगी तुम? क्या देख रहे हो? नाराज हो? किसी की याद आ रही है? नहीं पागल, मैं तो ये देख रहा हूं कि उस धरती से चांद बहुत खूबसूरत दिखता है, पर वो धरती यहां से इतनी खूबसूरत नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि वहां चांदनी नहीं है ना। वैसे एक बात बताओ, तुम यहां करती क्या हो? हाँ, ये चांद तारों से बातें करना, उछलना कूदना, अपना वक्त गुजारती कैसे हो? यहां करने को बहुत कुछ है वीर। ध्यान से देखोगे तो प्यार हो जाएगा। क्या और भी महल है यहाँ? मौज मस्ती, नाच गाना, खाने पीने की जगह भी है। बहुत बड़ा। Fantastic! असली जीने का मजा पीने में है। So let's go, darling, चांदनी। चलो। देखा? मैंने कहा था, यहाँ सब कुछ, सब कुछ जो धरती पर है, बल्कि उससे कई बेहतर। तो फिर क्या सोचा? शादी के लिए पूछ रही हो ना? हाँ,
ढंग से पूछो यार, जब धरती पे लड़के पूछते हैं ढंग से, मतलब घुटनों पे आके सलीके से तरीके से पूछो। पर हम तो आसमान में हैं ना। तभी तो यह सब कुछ उल्टा है।